हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सो आज की इस वीडियो में मैं मेरा एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जिसमें मेरी सीबीआई के ऑफिस में एक विजिट हुई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एसएससी सीजीएल के थ्रू काफ़ी बच्चे जो हैं सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को अपने जो है प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। काफ़ी बच्चों की ड्रीम पोस्ट होती है, मतलब ड्रीम जॉब होती है सीबीआई के अंदर नौकरी करना। तो एसएससी सीजीएल के अंदर जो मतलब टॉपर्स होते हैं उनमें से काफ़ी बच्चे जो हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को ऑप्ट करते हैं सीबीआई में जाने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं फिलहाल जो है इनकम टैक्स में जॉब कर रहा हूँ। सो एक बार क्या हुआ, हमारे ऑफिस में एक सीबीआई का लेटर आया था जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, और वो इन्फॉर्मेशन जो है कुछ एक हमारे सेक्शन से थी और कुछ एक दूसरे सेक्शन से थी। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेक्शन से थी वो इन्फॉर्मेशन लेके मुझे भेजा गया था कि भाई आप ये लेके सीबीआई के ऑफिस जाओ। तो जो लेटर था वो था आपके जो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे सीबीआई के अंदर, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी नीचे, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर थे। और ऐसे ऐसे टाइम दे रखा था कि इस डेट को इतने बजे से पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, अगर नहीं देते हो तो फिर वही जो है कोई कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ की जाएगी। मतलब इतने कुछ पावर्स होते हैं सीबीआई के पास कि अगर वो किसी से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। तो एक ये मतलब जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है सीबीआई की तरफ से तो उसको आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रायोरिटी बेस पे करनी होती हैं। सो हमने फटाफट जो हमारे हायर अथॉरिटी से जो है अप्रूवल्स लिए और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन लेके मैं वहाँ के लिए निकल गया। और जो एक दूसरा सेक्शन था वहाँ से भी जो एक और मेरे कलीग थे उन्होंने जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब हम दोनों वहाँ से निकल गए इन्फॉर्मेशन लेके अपनी अपनी। 5:30 बजे जो है हमें वहाँ पर पहुँचना था। अब एक अजीब सी एक्साइटमेंट चल रही थी, मतलब सीबीआई जो हमेशा हमने सिर्फ मूवीज़ में ही देखी हैं इनके ऑफिसेज, या फिर नाम सुना या इनका वर्क प्रोफाइल जो होती है हमने हमेशा मतलब मूवीज़ के अंदर ही मैक्सिमम इन चीज़ों को देखा है, क्योंकि एक आम जनता का जो है ना मतलब बहुत कम जो है इंटरेक्शन होता है सीबीआई से, और कोई चाहता भी नहीं कि किसी का इंटरेक्शन हो सीबीआई से। तो एक थोड़ी सी मतलब एक ईगरनेस सी चल रही थी, एक्साइटमेंट सी थी कि कैसा ऑफिस होगा, मतलब कैसा वहाँ पर इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें। तो हमारे ऑफिस से जो है मैंने गूगल मैप्स पर डाला था, करीब 6 किलोमीटर जो है सीबीआई ऑफिस दिखा रहा था। तो हम लोग निकल गए, तो वहाँ पर जब पहुँचे हम देखा सीबीआई बड़ा बड़ा पहले बोर्ड पे वहाँ पे लिखा हुआ था, और उसके बाद जब अंदर घुसे तो जस्ट लेफ्ट साइड में एक गार्ड का ऑफिस था। तो पहले उन्होंने रुकवाया कि भाई किससे मिलना है, तो हमने बताया भी ऐसे ऐसे एसपी साहब हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि हम इनकम टैक्स से आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि दिखाओ भाई क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, कोई लेटर वगैरह है क्या। तो हमने उनका लेटर दिखा दिया, मतलब उन्होंने कहा यहाँ पे 2 एसपी हैं, आपको किन से मिलना है। तो फिर हमने वो लेटर खोल के देखा, वहाँ पे नाम दिखाया कि हमने इनके पास जाना है। तो उन्होंने वहाँ पे हमारी जो है एंट्री वगैरह वहाँ पे करवा ली। तो मतलब बाहर से जो था मतलब भयंकर था ऑफिस, वॉज गुड, मतलब अच्छी खासी ग्रीनरी थी, सब बिल्कुल खुला खुला था, ये भी नहीं कोई कंजेस्टेड एरिया था, ऐसा कुछ नहीं। और हम थोड़ा सा अंदर ट्रैवल करके फिर एक बिल्डिंग थी, तो हम लोगों ने अपनी बाइक्स वहाँ पे पार्क कर दी और फिर आगे जाके बिल्डिंग में एंटर हुए। तो जब बिल्डिंग में एंटर हुए तो एंट्री पे ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा हॉल था, मतलब बिल्कुल सन्नाटा वाला, खाली, कोई मतलब चहल पहल नहीं, कोई आ जा नहीं रहा, मतलब कुछ नहीं दिख रहा, ऐसे लग रहा है तो कोई मतलब वीरान सी जगह हो। तो वहाँ पे आगे जाके देखा लेफ्ट में रूम था, वहाँ पे कुछ जो है और मतलब फर्दर उनका स्टाफ बैठा हुआ था। तो हम वहाँ पे उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने पूछा भाई किससे मिलना है, हमने बता दिया ऐसे ऐसे सर से मिलना है। तो फिर उन्होंने वहाँ से कॉल किया, मतलब पता नहीं किनको भी क्या, और ऐसे ऐसे बताया कि भाई इनकम टैक्स से बंदे आए हैं इन्फॉर्मेशन लेके। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है भेज दो। तो हमें फिर बता दिया उन्होंने, कोई रूम नंबर बताया था, 2nd फ्लोर पे था। तो हम लोग फिर ऊपर चल दिए। तो जब ऊपर जा रहे थे तो मतलब एक तो मैंने देखा कितना सन्नाटा है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हो, या कोई बीच में रास्ते में किसी से पूछ लें कि भैया फलाना रूम नंबर कहाँ पे है, ऐसा कुछ नहीं। फिर पहुँच गए हम फाइनली रूम के आगे। अब जो मतलब वो मोमेंट होती है ना कि अब डोर है, आप नॉक करोगे, फिर पूछोगे मैं कम इन सर, आप देखोगे कैसा माहौल होगा, मतलब वो 2-3 सेकंड की एक्साइटमेंट वो भी थी वहाँ पे। अब वैसे मैंने नॉक किया डोर और दरवाज़ा खोला, तो मैंने पूछा मैं कम इन सर, तो बोले हाँ आइए। तो मतलब वो जो मोमेंट थी ना, मतलब अब जितनी एक्सपेक्टेशंस वर्सेज रियलिटी के आपने कई सारे मतलब मीम्स देखे होंगे ना, डिट्टो वहाँ पे वो हो गया मेरे साथ भी। मतलब मैंने देखा यार एक रूम तो था, स्पेशियस था काफ़ी बड़ा, लेकिन रूम के एकदम मिडल में, या मिडल से थोड़ा सा पीछे कह सकते हो, बस एक टेबल सा डाला हुआ, मतलब एक पुराना टाइप का मतलब सरकारी टेबल सा होता है, मतलब कोई ऐसे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, फैंसी वाला कुछ नहीं। और उसके पीछे एक कुर्सी, और कुर्सी बिल्कुल वो टिपिकल सरकारी टाइप जो कुर्सियाँ आती हैं वो वाली। और पूरे रूम में और कुछ नहीं, एक लेफ्ट साइड में बस एक और छोटा सा टेबल था और उसके ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ था, और एक अलमीरा थी पुरानी सी, मतलब एक लोहे की अलमीरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी टाइप सी। और ऐसे कोई मतलब इंटीरियर नहीं बढ़िया, कोई ऐसे दीवार कोई बहुत ज़्यादा खास बढ़िया नहीं, या कुछ अंदर थोड़ा बहुत भी इंटीरियर, या कोई अच्छी फोटोग्राफ्स फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे ऐसी एंट्री कुछ भी नहीं। और एसपी साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने अपना शायद पर्सनली लैपटॉप लग रहा था उनका, पता नहीं ऑफिस का था, उस लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड लगा के मतलब ऐसे यूँ करके टाइप कर रहे थे, चश्मा लगा के, मतलब लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ नहीं करके एडिशनल कीबोर्ड जो वहाँ पे लगा रखा था। तो हम गए तो सर ने हमने को कहा कि ठीक है बैठिए, फिर हमने जो है सर को बता दिया कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो उस टाइम पे मतलब लगभग 5:30 के करीब का टाइम हो गया था,
फिर सर ने बोला कि अभी तो काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि आप लोगों के बयान वगैरह लिखवाए जाएंगे और उसमें टाइम लगेगा, फिर हम और लेट हो जाएंगे। तो सर ने मतलब रिसीविंग तो ले ली, मतलब कि हम इन्फॉर्मेशन लाए थे, एक साइन कर दिया कि हाँ मान लिया कि आप टाइम पे पहुंच गए थे। फिर सर ने कहा कि आप कल आना, टाइम से आ जाना, थोड़ा पहले ही आ जाना सुबह सुबह। हमने कहा ठीक है, तो फिर हम निकल गए वापस। फिर अगले दिन जब हम लोग दोबारा आए तो वही सारा प्रोसेस फिर से जो फर्स्ट डे हुआ था, भाई पहले गार्ड को बताना, फिर अंदर जाके बताना, फिर कॉल करेंगे, फिर हम ऊपर गए दोबारा, फिर वही चीज़ें। तो फिर सर ने कहा कि अभी आपके बयान लिखवाए जाएंगे, तो सर को स्टाफ की ज़रूरत है वहाँ पर और कोई नहीं था। तो सर ने पहले नीचे कॉल किया होगा किसी बंदे को बुलवाने के लिए कि भाई आ जाओ भाई, बयान नोट करने हैं, टाइप करना है। तो मतलब वहाँ पर सर जिनसे बात कर रहे थे यहाँ से ये पता चल रहा था कि स्टाफ है नहीं, वहाँ जो था उसको कहीं और भेजा हुआ था। तो सर थोड़ा इरीटेट से हो गए, मतलब क्या करें अभी, दो बंदों के बयान लिखने हैं। फिर जैसे तैसे एक दो सर ने और कॉल्स किए, उसके बाद एक स्टाफ अरेंज हुआ कहीं से, तो उसके बाद उनका एक स्टाफ आया। और फिर जैसे हम दो लोग थे, मेरा बयान उनके स्टाफ ने लिखा और जो साथ में मेरे कलीग थे उनका बयान SP साहब ने खुद लिखा। तो एक तो यहाँ से ये चीज़ दिख रही है कि यार मतलब स्टाफ की कितनी कमी थी वहाँ पे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनके पास इतना सफिशिएंट स्टाफ हो गया दो बंदों का बयान लिखा जा सके। मतलब एक SP हैं वो खुद मतलब टाइप कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यूँ बयान लिख रहे हैं, फिर प्रिंट निकाल रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया, या फिर डाटा के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगा। और जो मेरा बयान लिख रहे थे उन्होंने क्या है, वो थोड़े यंग बंदे थे, उन्होंने फटाफट जो है बयान वयान लिख के हम लोग फ्री हो गए। फिर वो मेरे से वैसे बातें करने लगे, बोले कि मतलब इनकम टैक्स में हो तो ऐसे पूछने लगे किस तरीके का जो है कल्चर है वहाँ पे, प्रमोशंस का क्या है, मतलब जो है हिसाब किताब है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे जो है मतलब 2-2.5 साल में पहला प्रमोशन हो जाता है, अब 2400 से 4200 ग्रेड पे आ जाते हो। तो मतलब ही वॉज लिटरली शॉक्ड, बोलो मतलब 2-2.5 साल में मतलब सीधा 4200 बन रहे हो 2400 से, कोई 2800 नहीं बीच में। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बताया, बोले यार यहाँ पे तो बहुत ख़राब हालत है। उनके शायद करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14-15 साल की सर्विस हो गई थी और अभी जस्ट रिसेंटली उनका एक प्रमोशन हुआ था। तो मतलब उन्होंने बताया, बोले बड़ा ख़राब काम है यार यहाँ पे तो। और फिर वो बता रहे थे उनका कोई कज़न था जिसको टैक्स असिस्टेंट मिला था दिल्ली में, तो उसने भी बताया कि यार ऐसे ऐसे जो है दिल्ली में बड़े फास्ट प्रमोशंस हैं, वहाँ पर जो भी जो है मतलब इनकम टैक्स में बढ़िया सीन है, हम तो मतलब यहाँ पे CBI में है, कोई खास यहाँ पे ऐसा कोई प्रमोशंस वगैरह नहीं है। तो देखो ओवरऑल जो ये मेरा एक्सपीरियंस था ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंपेयर किया हूँ मैं उस मेरे पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के CBI के ऑफिस से, तो मतलब देखो यार ज़मीन आसमान का अंतर लगा मुझे। इनकम टैक्स के अंदर क्या है ना, मतलब देखो जैसे एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी जो हैं उनके पास भी इतना सफिशियंट स्टाफ होता है कि यूँ बैल बजाया बाहर से बंदा आ गया, मतलब वो कल्चर मुझे यहाँ पे CBI में नहीं दिखा। मतलब इतना स्टाफ ही नहीं है कि मतलब एक SP साहब जो है मतलब बैल बजाए और बाहर से कोई दरवाज़ा खोल के पूछे हाँ सर बोलिए मतलब क्या लाना है या फिर क्या चीज़ें थी, उस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी। और वैसे भी मैंने काफ़ी सारी जो है मतलब वीडियोज़ और भी देखी हुई हैं CBI के बारे में, काफ़ी लोगों ने CBI से जो रिज़ाइन वगैरह किया हुआ है उनका भी जो मैंने मतलब कोई बहुत खास ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस देखा नहीं CBI के अंदर। सो जो बच्चे नए हैं SSC के फील्ड में उन्हें बता दूं कि SSC CGL के थ्रू जो है अलग अलग काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में जो आप लोगों को जॉब मिलती है, जिनमें CBI भी एक है, इनकम टैक्स, GST, आपका CAG, मिनिस्ट्रीज, मतलब इस तरीके की काफ़ी सारी जो है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया से अगर आप कहीं से एक बार कोचिंग ले लेते हो उसके बाद अपने अगर बढ़िया से नोट्स बना लिए और दुनिया भर के अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए तो मतलब एक आप अच्छी फाइट दोगे कंपटीशन में बाकी बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो है रिकमेंड करता हूँ। टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो है मतलब एकदम वैसे ही हैं जैसे कि एक्चुअल में SSC के पेपर आते हैं, और SSC के पुराने पेपर्स को भी यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के फॉर्म में रखा गया है। अगर आप यहाँ पे भाई कोड लगाओगे BHAI भाई कोड लगा दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एक साल का पास मिल जाएगा जिसमें आप अनलिमिटेड जितने चाहो फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और अगर आप 3 ईयर का पास लेते हो तो आपको पर ईयर जो है 180 रुपीज़ पड़ेगा। अभी इनकी फिलहाल एक सेल चल रही है उसमें ऑफर चल रहा है, तो आप भाई कोड लगा के जो है 10% डिस्काउंट ले लेना और फिर आप ट्राई करो कि एक साल में जो है आप 100, 125, 150 जो है मॉक्स में से निकलो। ठीक है, वैसे मतलब मॉक टेस्ट लेने से फ़ायदा नहीं है, मॉक टेस्ट लेके जब आप उनको लगाओगे फिर एनालिसिस करोगे और फिर अपना स्कोर इंप्रूव करोगे तभी जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, काफ़ी सस्ते भी हैं और एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, भाई कोड लगा के जो है 10% डिस्काउंट ले लेना। क्योंकि देखो यार अभी देश के हालात जो हैं वो थोड़े से ठीक नहीं है। सरकारी नौकरियों की बात करें तो हर साल जो है ये घटती ही जा रही है। जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में कितनी मतलब भयंकर तरीके से कम हो गई है नौकरियाँ। अब यही हालात जो है धीरे धीरे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के हो रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैन पावर की जो है ज़रूरत कमी होती जा रही है। लेकिन अभी जैसे आप लोगों को पता है कि करीब 1.5 साल के बाद जो है इलेक्शंस हैं, तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं
उस ईयर और उससे पहले वाले ईयर में थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। जैसे आप देखोगे सीजीएल 2013 और सीजीएल 2014 में सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी आई थी, लगभग 16-16 हज़ार वैकेंसीज आई थी दोनों सालों में। उसके बाद से आप देखोगे तो एवरेज जो है वो लगभग 8 से 10 हज़ार की रही है हर साल। तो अब जैसे 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन हैं, तो आप मान के चलो कि सीजीएल 2022 या फिर सीटी के थ्रू अगर ये हो रहा है सीजीएल, तो उसमें जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने के चांसेज हैं। और जैसा कि अभी रिसेंट अनाउंसमेंट भी हुई थी कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। अब 10 लाख देने का वादा हुआ है, तो आप ये मान के चलो शायद 2-3 लाख तो दी ही जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि 10 लाख तभी बोला जाता है जब 2-3 लाख वैकेंसीज हों। अगर 10 लाख वैकेंसीज हैं तो उसको 15 या 20 बोला गया होता, तो आप ये मान के चलो कि 2-3 लाख वैकेंसीज तो डेफिनेटली ही होंगी अगर 10 लाख का वादा किया जा रहा है। तो चीज़ें आसान हैं, मैं फिर कह रहा हूँ सारा खेल जो यहाँ पे स्पीड का होता है। चीज़ें वही आपसे बड़ी आसान सी पूछी जाती हैं 8वीं 9वीं 10वीं वाली, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके मैथ्स की बात करें तो दुनिया भर के ऐसे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स में मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटने देते, अपने 25 के 25 सवाल जो है ठीक करके आ जाते हैं। मतलब सच में इसका मैथ्स इतना आसान है, आप 2-3 बार अगर इसका रिवीजन कर लोगे मैथ्स का, तो इतनी आपकी स्पीड आराम से बन जाएगी कि आप प्री में 25 के 25 सवाल जो है ठीक कर दोगे। थोड़ा बहुत आपका अगर शिफ्ट थोड़ी ही टफ आ गई तो हो सकता है आप 23 या 24 सवाल ठीक कराओ। वही बात इंग्लिश की है, इंग्लिश के अंदर आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके अंदर एरर बताओ। अब मुश्किल थोड़ी है, आपको पता है यार वही 70-80 टाइप की मतलब मेन एरर्स हैं, कुछ उनके सब टाइप्स बन जाते हैं, बस उनका रट्टा मारो। आपको पता है भाई यहाँ पे ये इस टाइप के एरर, ठीक है भाई ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन सी में गलती है, भाई कोई एरर नहीं है, भाई नो एरर लगा दिया। मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं चीज़ें। हाँ जीके की बात करूँ तो मान लिया थोड़ा टफ होता है, बट कितना कोई ये तो नहीं कह रहा आप जीके में पूरे के पूरे नंबर लेके आओ। भाई 25 सवाल आते हैं, अगर आप उनमें से अगर आपको 10-12 भी आते हैं तो मतलब बहुत बढ़िया स्कोर माना जाता है जीके के अंदर। मैथ्स आपको पता ही है, वही भाई किसी आदमी की तनख्वाह इतनी बढ़ गई, उसके खर्चे इतने घट गए, तो बताओ उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ गई। मतलब वही सब चीज़ें यार, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। मतलब एडवांस मैथ की बात करो तो वही बेसिक से कुछ आइडेंटिटीज़ है, उनका रट्टा मार के रखो। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कोई इतना मुश्किल है नहीं। मतलब एज लॉन्ग एज आप अपना स्कोर इंप्रूव कर रहे हो, मतलब यू आर गुड। मतलब मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये 120 से 130 के बीच स्टक होकर रह जाते हैं, या फिर 110 से 130 के बीच, अब इससे ज़्यादा उनका स्कोर ही नहीं बढ़ता। अब इस 110 और 130 के बीच नंबर लाने वालों की जो संख्या है वो लाखों में है। अगर आप एक बार 130 से ऊपर निकल गए, फिर धीरे धीरे 40, फिर आप 50 से ऊपर निकल गए, 150 प्लस आपका स्कोर आने लग गया, तब आप मतलब उन बच्चों में आपकी गिनती होने लग जाएगी जो बढ़िया तकड़ा कंपटीशन में फाइट कर रहे हैं। आपको इस 110 130 वाले जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे मॉक्स लगाओ यार, मतलब क्या दिक्कत है, रिविज़न कर लो बार बार। मैथ्स इंग्लिश वही 2-4 किताबें हैं, हर किताब को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 बार पढ़ दो। मतलब दिक्कत क्या है, आप एक किताब को 10 बार पढ़ाना मुश्किल है क्या? अगर बदले में आपको 1,000 है कि आपको एक नौकरी मिलेगी, तो कितना मुश्किल है एक किताब को 10 बार पढ़ना। अगर मैं बेरोज़गार हूँ और कोई मुझे ये कह दे कि भाई लो मैं तुम्हें ये 6 किताबें दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैथ्स की इंग्लिश की रीजनिंग की जीके की सब आ गई, आपको 6 की 6 किताबें 10-10 बार पढ़नी है और ऐसा करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, तो मैं तो कहूँगा भाई ये बहुत सस्ता सौदा है दुनिया का। अगर मुझे पहले से पता है कि ये किताबें पढ़ने से नौकरी मिल रही है, तो मतलब ये बहुत सस्ता सौदा है। कोई यूपीएससी तो है नहीं कि आपको किताबें दे दी और उसके बाद भी नहीं पता कि इनमें से आएगा कि नहीं आएगा। मतलब एसएससी के एग्जाम्स की बात करें तो बहुत ही प्रिडिक्टेड सा है इसका सिलेबस, आपको पहले से पता होता है किस तरीके से जो है पास्ट पेपर्स में चीज़ें पूछी गई हैं, तो वही चीज़ें जो हैं हर साल रिपीट होती हैं। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाटा टेक केयर, बाय बाय।